तो कैसे सब आप लोग? जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी व्हाट्सएप में कोई भी कंट्री का नंबर लेकर व्हाट्सएप बना रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आपको परमिशन है, ज़रूर से चेक कर लेना है। माइक्रोफोन, फ़ोन और SMS, ये तीन परमिशन है, ज़रूर से अलाउ रखिए। जब आपका काम हो जाता है तो इन परमिशनों को आप डिसेबल कर सकते हो। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है टू NR एप्लीकेशन मेरे पास है, इसका ऐसा वर्जन बताऊंगा दोस्तों, ना ही ये बैक होगी, ना ही दोस्तों आपको यहाँ ज़्यादा रेड सिग्नल का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों कोड भी आपको बड़े आसानी से रिसीव हो जाएगी अगर आप इस स्टेप को सही से फॉलो करते हो तो। इसे आपको SMS, माइक्रोफोन और फ़ोन, ये तीन परमिशन है व्हाट्सएप के अलावा रखना है। याद देख लीजिए दोस्तों, आज का दिन 29 दिसंबर है दोस्तों, और टाइमिंग भी आपके सामने शो हो रहा है। अब याद देखिए, सबसे पहले आप जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में चेक करोगे कि लिंक आए। अभी फ़िलहाल मैं दोस्तों कुछ एप्लीकेशनों का लिंक देना यूट्यूब पर अलाउ नहीं है, इसका लिंक आपको नहीं दे सकता हूँ मैं। आपको दोस्तों वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ओके, या अगर रेड सिग्नल रहा दोस्तों, ये देखिए रेड सिग्नल है, तो ये कुछ ही सेकंड में या 1 मिनट या 2 मिनट, उसके उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेथड बता रहा हूँ, तो उसी टाइमिंग में ये ग्रीन सिग्नल हो गया। अब फटाफट से दोस्तों मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ और ये नंबर को देखता हूँ कि यहाँ हमें कॉल मी का ऑप्शन मिलता है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ मैंने नंबर टाइप कर दिया हूँ, आपको नंबर सभी वैलिड मिलेंगे दोस्तों, पहले जैसा नहीं रहा अभी के नंबर आपको बैन मिलेंगे, क्योंकि ये वर्जन बहुत ही तगड़ा है दोस्तों, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ये नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये नंबर को आपको छोड़ देना है। यहाँ से मैं ये नंबर को कैंसिल करता हूँ दोस्तों, या 48 ज़रूर से लगाना कंट्री कोड में। ओके, पोलैंड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ के मैं पेज को ये नेक्स्ट पेज करूँगा, यहाँ से ये नंबर दूसरा आ गया मेरे सामने। अब दोस्तों यह रेड सिग्नल भी हो गया, कुछ देर बाद ये ग्रीन भी हो जाएगा। अब यहाँ मैं ये नंबर को चेक करूँगा, अगर यहाँ कॉल मी का ऑप्शन मुझे मिलता है तो आपको बताता हूँ दोस्तों OTP लेकर। ओके, अभी ये नंबर भी अगर मुझे यहाँ कॉल मी का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं कोई और नंबर ट्राई करूँगा। ऊपर टाइमिंग भी देख लीजिए दोस्तों, फिलहाल मैं अभी मैं जाकर सब नंबर चेक करता हूँ। ये पहले देखता हूँ नंबर, मतलब इस पर कॉल मी का ऑप्शन मिलता है क्या नहीं। वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ कुछ देर के लिए दोस्तों। अब दोस्तों ऊपर के साइड टाइमिंग देख लीजिए, मुझे कितना मिनट लगा। देखिए दोस्तों, अभी एप्लीकेशन है, बहुत सारे वर्क नहीं कर रही है, ऐसे में ये नंबर आपको दोस्तों पोलैंड का फ्री में प्रोवाइड कर रही है टू NR एप्लीकेशन, तो बेस्ट है। जब आपको कॉल मी वाला नंबर मिलता है दोस्तों, तभी आप ये कीजिए। देखिए, या मुझे रिसेंट SMS पे कोई 2 मिनट का टाइम चला, किस पे 10, किस पे 20, किस पे 60 मिनट का, तो वो नंबर मैंने नहीं लिया। ओके, या कॉल मी वाला नंबर लिया। लेकिन कभी कभी एक बात भी ध्यान रखना है आपको, कॉल मी का नंबर लेने के बाद भी दोस्तों कभी कभी एक दिक्कत आती है कि वहाँ से कॉल पे क्लिक करने के बाद वहाँ से अगर कॉल मी का ऑप्शन हट जाता है, या जो जो ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक को ज़रूर से देखिए। या देखिए, एक कलर को चॉइस करना है, इस बॉक्स पे ज़रूर से क्लिक करना है भाई OTP चाहिए तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको सही से ही कर देना। क्या होता है कभी कभी यहाँ से कॉल मी पे क्लिक करने के बाद भी दोस्तों कॉल मी का ऑप्शन हट जाता है, मतलब वो नंबर पे किसी ने OTP लिया है कुछ देर पहले, या उसी के पास ही नंबर है। इस तरह से भी कभी कभी होता है बाई चांस। ओके, तो यहाँ देखिए ग्रीन सिग्नल है, सब है दोस्तों। अब मैं यह होगा और कॉल मी पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट टाइम में कॉल से OTP नहीं मिलती है, दो बार क्लिक करना पड़ता है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे ये डायरेक्ट 30 मिनट के 29 मिनट के आसपास ये टाइमर हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इस बीच में मुझे OTP मिल जाए, तो बेस्ट है। अभी मैं यहाँ देखता हूँ दोस्तों, यहाँ आ जाता है एप्लीकेशन में ग्रीन सिग्नल, देखते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइमर काफ़ी बड़ा मिल गया है, डायरेक्ट 30 मिनट का मिला है, तो इतना टाइम एक तो वेट करना होगा, या फिर उस दौरान कभी कॉल आ जाती है तो ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी ये रेड सिग्नल का कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये कुछ ही इसमें आपने खुद देखा कि कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट के अंदर ये ग्रीन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से तो अभी इतना टाइम मुझे वेट करना होगा लगभग 30 मिनट का। ओके, अभी फिलहाल मैं वापस से देख लेता हूँ, 29 मिनट है या फिर 28 मिनट है। या देखिए 29 मिनट है, अब कुछ सेकंड चलने के बाद ये 28 मिनट हो जाएगा दोस्तों। तो उस दौरान अगर मुझे कोई और अच्छा सा नंबर मिलता है दोस्तों, तो मैं उस पर आपको OTP लेकर दिखा, तो ये नंबर पे तो OTP आ ही जाएगी, लेकिन इतना टाइम रुकना पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी जाता हूँ एप्लीकेशन में और मैं यहाँ से कोई दूसरा नंबर फटाफट से और ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट भी दूसरा नंबर लिया था, लेकिन सब भाई कमेंट में कहे थे कि फेक वीडियो, क्योंकि यह एक नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने लिया है, इसलिए मैंने आपको बताया दूसरा नंबर लेता हूँ जिस पर ज़्यादा टाइम ना चले। ओके, अब दोस्तों यह देखिए, मैंने ये नीचे वाला नंबर लिया है और ये देखिए अभी शो हो रहा है, और देखिए इस पर मुझे कॉल मी का ऑप्शन मिला है। ओके, अभी मैं कॉल मी पे क्लिक किया है, या देखिए दोस्तों अभी यहाँ 2 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम चल रहा है, मतलब ये नंबर हमारा काम का है, अभी हमें 100% दोस्तों OTP आ जाएगी दोस्तों। ओके, अभी मैं वेट करूँगा सेकंड टाइम, या मुझे क्लिक करना पड़ सकता है, वेट करूँगा दोस्तों। ये देखिए, वेट भी नहीं किया, आ गया कॉल।
Your verification code is 355074. Your verification code is 3550. अब दोस्तों जब हमें कॉल आती है वो कॉल को पूरा तरह मतलब पूरी तरीके से बोलने देना है, सुन लेना पूरे तरीके से, उनका बोलना बंद हो जाता, वॉइस बंद हो जाती, उसके बाद दोस्तों यह लास्ट का नंबर आपको डालना है। लेकिन यह अभी टाइमर कंप्लीट नहीं हुआ नीचे कॉल मी का, फिर भी दोस्तों मैं यहाँ ओटीपी पुट कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा अकाउंट यहाँ क्रिएट हो चुका है। जो बाइक का ये बोलना होता है कि फेक वीडियो है ये, तो आप उनके कमेंट पे यार इसलिए ध्यान ना दिया करें क्योंकि उनमें मेहनत करने का ये नहीं रहता है, वो सोचते हैं कि एक ही क्लिक में हो जाए, तो एक ही क्लिक में अभी नहीं होता है दोस्तों, कुछ नंबर ट्राई करना होते हैं। टाइमर सही चलना चाहिए, कॉल में भी जैसे क्लिक करें तो 2 मिनट का 2-3 सेकंड और ऊपर चलना चाहिए दोस्तों, तो आपको 100% ओटीपी आ जाएगी दोस्तों। ओके, और आपको अगर एसएमएस वाला नंबर मिल जाता है 1-2 मिनट का, तो दोस्तों वहाँ ज़्यादातर नंबर जो है मतलब बैन ही मिलते हैं, मतलब आप ले लोगे तो वहाँ एक कुछ स्कैम वगैरह कुछ आ जाता है मैसेज, तो उस पर वो नंबर आप उसे वैसे नंबर मत लीजिए दोस्तों, आप वैसे नंबर ना लेते हुए डायरेक्ट कॉलमी का नंबर लीजिए। अब याद देखिए दोस्तों, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना करने का नतीजा ये रहता है कि आपकी चैट दूसरों के पास चली जाती है, इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखिए। ओके, अब याद देखिए दोस्तों, ये नंबर अभी हमने लिया है +48699549983। अब ये नंबर दोस्तों एप्लीकेशन में एक बार आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ, यहाँ कॉल का ये हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये नंबर 6995499983, ये देख लीजिए वापस से यार। ओके, मैच कर लीजिए। अब यह देखिए मैसेज में आने के बाद दोस्तों जो कॉल आई थी वो शो हो रही है। अब यहाँ आपको वर्जन कौन सा डाउनलोड इंस्टॉल करना है दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इस बात की माफ़ी मांगता हूँ यार कि यार लिंक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यार अभी दिक्कत चल रही है इसलिए लिंक नहीं दे सकता आपको। आपको कोई भी ब्राउज़र में जाना है, कुछ भाई को ब्राउज़र पता नहीं होता है भाई, गूगल जो होता है हमारा क्रोम ब्राउज़र होता है, वहाँ चले जाना है आपको। वहाँ जाने के बाद आपको ट्विनार लेटेस्ट वर्जन 1.0.42, ओके, ये वर्जन को आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं बाजू लगा दूँ या इसको जूम कर आपको दिखा देता हूँ, यही वर्जन आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है दोस्तों। ये वर्जन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, व्हाट्सअप की परमिशन है जरूर से अलाउ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।